लीजिए, तैयार है ये स्ट्यू बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के साथ। साथ ही कलर देखें आप इसका कितना शानदार है, जबकि इसमें हमने ना तो पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और ना ही इसमें हमने हल्दी ऐड की है। और टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे और आपके घरों में जितनी टाइप के सालन बनते हैं ना, सबसे टेस्टी स्ट्यू ही तो लगता है। यानी स्ट्यू एक ऐसी डिश है जो सबको पसंद आती है। और ये तो फिर वही खड़े मसाले का स्ट्यू है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको ज़रूर से ट्राई करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं खड़े मसाले का स्ट्यू। तो स्ट्यू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है ये आधा किलो, और आधा किलो गोश्त के लिए प्याज ली है मैंने 250 ग्राम। प्याज के अलावा ये लिए हैं 2 टमाटर, 6-7 ली हैं हरी मिर्च, कुछ दाने लिए हैं मैंने सौंफ और धनिए के, तो ये साबुत ही लिया है मैंने, 6-7 साबुत लाल मिर्च, ये कुछ कलियां ली हैं मैंने लहसुन की, साबुत ही रखेंगे इनको, और थोड़ी सी ज्यादा ली है मैंने क्योंकि इनसे टेस्ट काफी अच्छा आता है। ये लिया है गर्म मसाला, तो गर्म मसाले में मैंने 1 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 1 फूल जावित्री का और 2 स्टिक दालचीनी की ली है। नमक जाएगा इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जी इन सब के अलावा चाहिए हमें कुकिंग ऑयल, तो जी ये मैं ऐड कर देती हूँ डायरेक्ट प्रेशर कुकर में। तो ये ऑयल है हमारा तकरीबन 1/2 कप। अच्छा, तो पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, और जैसे ही ये ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें हम सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना है प्याज को हमें सुनहरा नहीं करना है, प्याज का खाली कच्चापन दूर करना है, इसमें कच्ची स्मेल आती है ना, बस वो निकालनी है। चलें जी, प्याज हो गई इसी तरह की हमें चाहिए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन की कलियां, और जी साथ में ही ऐड कर देंगे हम इसमें गर्म मसाला, मिला देंगे इसको और 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। 1 मिनट बाद इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त, गोश्त के साथ ही इसमें चला जाएगा नमक, तो नमक इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर से मिला देंगे इसको, और अच्छे से मिलाकर इसमें हम ऐड कर देंगे साबुत धनिया और सौंफ। तो यहाँ पर साबुत धनिया और सौंफ आपको ज्यादा ज्यादा ऐड नहीं करना है, कुछ ही दाने लेने हैं सौंफ और धनिए के। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, ये लाल मिर्च, अच्छा जी ये हरी मिर्च, तो हरी मिर्च ये हम सारी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी सी यहाँ ऐड कर देंगे और ये बचा लेंगे, इनको हम बाद में ऐड करेंगे। अब मिला देंगे इनको अच्छे से। तो देखें अभी मैं इसको अच्छे से मिला ही रही हूँ, और देखें इसका अभी से कलर चेंज होने लगा है। अच्छा, टमाटर मैंने इसमें 2 ही ऐड किए हैं, आप चाहें तो मजीद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो 2 से ज्यादा टमाटर भी ले सकते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता है, पानी बिल्कुल भी आपको ऐड नहीं करना है इसमें, प्याज काफी सारा पानी रिलीज करती है, वही पानी काफी रहता है। चले जी, ऐसे ही इसको कवर कर देंगे और इसको हम लगाएंगे 4 से 5 विसिल, यानी अब गोश्त को अच्छे से हमें सॉफ्ट कर लेना है। चलें जी, ये 5th विसल आ गई है, तो ये गैस फ्लेम हम बंद कर देंगे और प्रेशर इसका खुद से निकलने देंगे। ये देखें प्रेशर इसका निकल गया है, ये ढक्कन अब हटाते हैं हम, और देखें इसका कलर आप देखें, एकदम से लग रहा है ना जैसे इसमें हमने सभी कुछ ऐड किया हुआ है। चलें जी, गोश्त भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जैसे ही हम प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाते हैं तो एकदम से ये भुना हुआ सा नहीं निकलता है, पानी रह जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ में हुआ हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, गैस फ्लेम फिर से ऑन करके पानी को खुश कर लें। और जी खुश करने के बाद में इसमें ऐड कर दें बची हुई हरी मिर्च, और जी इसको मिलाकर 1 मिनट तक पकने दें, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इस टाइम पर हरी मिर्च भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, स्ट्यू बिल्कुल तैयार है। ये देखें इसकी ग्रेवी एकदम से जबरदस्त है। बस अब गैस फ्लेम बंद कर देंगे और ये बिल्कुल तैयार है, तो इसको सर्व करेंगे। तो ये खड़े मसाले का स्ट्यू आपको कैसा लगा है, आप इसको जरूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक आसान सी मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।